सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमान अहमद खान, आप सिक्योर 258 रैंक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर प्रीलिम्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू माय फ्रेमवर्क व्हिच मे और मे नॉट हेल्प यू, बट इट वर्क्स फॉर मी, होपफुली इट विल हेल्प यू टू मेक योर शेड्यूल। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स नियर है तो अभी हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क में हम ये लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे स्केड्यूल बनाना है 30 डेज नेक्स्ट ईयर फॉर जितना भी टाइम पीरियड है, सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है, प्रैक्टिस टेस्ट कैसे करने हैं हम लोगों को, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंस क्या है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, इंपॉर्टेंस क्या है प्रैक्टिस टेस्ट की, और फिर एट द एंड करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से मैटर करता है इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से ही कंटिन्यूसली मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरी 7 ईयर्स की जर्नी रही है जिसमें मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और 4 ही इंटरव्यूज दिए हैं। तो मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ किस तरह से ये आपको मेरी स्ट्रैटेजी बेनिफिट कर सकती है। बट हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, तो आपको स्ट्रैटेजी मैं जो अपनी बता रहा हूँ वो आपको हेल्प करेगी अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करिए तो आपके लिए भी वर्क करेगी, बट इट विल हेल्प यू टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे और किस तरह से हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए, एक स्केड्यूल कैसे बनाना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे पास हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है। तो इसको हम लोगों को भी नेक्स्ट डेज में किस तरह से एक स्ट्रेटेजी करनी है बिल्ड। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं क्या यूजली करता था कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को हम बना सकते हैं अपने बिल्ड को, जैसे कि एक शेड्यूल बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी टुडे। तो हमेशा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैसा रहना चाहिए किसी भी 2 सब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था तो मैंने पॉलिटी को अपना टाइम डिवोट दिया, प्लस ज्योग्राफी मुझे थोड़ा सा टेक्निकल लगता था जो कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम एरिया होती थी। तो हमेशा ऐसे 2 सब्जेक्ट करिए जो कि एक इंटरेस्टिंग हो और दूसरा आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो, क्योंकि UPSC एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट एवरेज लेवल तक जाना है और अपनी स्ट्रेंथ पर आपको हमेशा खेलते रहना है। तो जैसे कि मेरी पॉलिटी स्ट्रेंथ थी तो मैंने अपना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग का शेड्यूल इस तरह से बिल्ड कर लिया था कि फर्स्ट पॉलिटी करूँगा मैं, उसके बाद ज्योग्राफी करूँगा, क्योंकि ज्योग्राफी मेरे को ज़्यादा टाइम चाहिए उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ज्योग्राफी में मुझे टाइम ज़्यादा डिवोट करना है और पॉलिटी में कम करना है। तो आप भी इसी तरह से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप इकोनॉमिक्स के साथ कोई भी एक लाइट सब्जेक्ट ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक ले लिया आप लोगों ने, तो इस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। और इसमें टाइम शेड्यूल क्या करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से अरेंज करना है आपको इन सब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल जो मॉर्निंग हमारा सेशन होता है यूजली देखा जाता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है सेशन वो, तो आपको हमेशा सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो कि आपको थोड़ा टफ लगता है, जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ज्योग्राफी था तो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करता था, उसके बाद एक सेशन ज्योग्राफी का फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 hours। और दूसरा यहाँ पे टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, 2 hours किस लिए हमेशा मिनिमम आपका एक होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम हॉल में हमारे 2 hours का एग्जाम होता है, तो जब आपका 2 hours एग्जाम में माइंड चलेगा कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। यूजली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 hour स्टडी करते हैं फिर ब्रेक ले लेते हैं, वो भी गलत स्ट्रेटेजी नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी लास्ट डेज में 2 hours की मिनिमम सेटिंग चाहिए या देनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना माइंड यूज एग्जाम हॉल में यूज करने के लिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग क्या करें इस को टाइम शेड्यूल मैनेजमेंट में। जैसा कि नॉर्मल एक एज ए ह्यूमन बींग हम देखते हैं कि कोई भी हमको आदत बदलने के लिए या कोई भी अडॉप्ट करने के लिए मिनिमम 21 डेज चाहिए, तो 21 डेज आपको कंटिन्यूस सेम स्केड्यूल पे प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। तो जैसे कि हमारा एग्जाम टाइमिंग क्या होता है 9:30 to 11:30, 2 to 4, तो आप कोशिश करिए कि ये टाइम पे आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जहाँ पे कंसंट्रेशन फुल होनी चाहिए आपकी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 9:30 to 11:30 तक ज्योग्राफी पढ़ा,
तो यहाँ पे ज्योग्राफी आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, और आपको लगता है कि आपने एक दिन का शेड्यूल पूरा कर लिया है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने पॉलिटी पे। बट कभी भी दो से ज्यादा सब्जेक्ट मैं प्रेफर नहीं करूंगा आपको दिन में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर देगा। दो सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि मोनोटोनस ना हो पूरे दिन की पढ़ाई, और दूसरा हमेशा ये याद रखिएगा कि आपने जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके एमसीक्यू जरूर ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या होता था, मैं ज्योग्राफी जैसे पढ़ा मैंने तो 50 क्वेश्चन मिनिमम ज्योग्राफी के मैं हमेशा सॉल्व करता था, ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि मैंने ज्योग्राफी में जो भी करा है पढ़ा है वो कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ या मेरी रिटेंशन पावर कितनी है ज्योग्राफी को लेके। सेम विद पॉलिटी, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है टेस्ट की, तो इससे आपको पता लगता है कि आप किस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके, या किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। सेकेंड, हमेशा अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरा मानना है आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस टेस्ट सारे कर लिए होंगे, बट अभी जो टाइम पीरियड है उसमें डेली बेसिस पे 2 आवर्स का मिनिमम एक प्रैक्टिस सेट जरूर करना है आपको, क्योंकि एक आपकी लाइफ साइकिल का पार्ट बन जाएगा, और आपको एग्जाम हॉल में जब जाएंगे विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप एंटर करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली है। तो इस तरह से आप हमेशा शेड्यूल रखिए, और हमेशा जो भी आपने प्रीवियस टेस्ट सॉल्व किए हैं उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए मिनिमम फॉर 1 आवर। तो इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी कि जो आपने पहले टेस्ट कर दिए हैं उसको आप रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको सब्जेक्ट की थोड़ी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी। यूजली क्या होता है कि हम लोग 70, 80, 100 टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के, बट लास्ट में जब आता है अभी 30 डेज तो बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे पास कुछ होता नहीं है पढ़ने के लिए, कि ऐसा लगता है बहुत प्रेशर बिल्ड हो गया हमारे पास, तो रिविजन के लिए टाइम नहीं बच पाता हम लोगों के पास। तो हमेशा ये डेली बेसिस पे जब आप रिविजन करेंगे तो आपको हमेशा इस चीज़ में मदद मिलेगी। इस तरह से ही आपको अपने डेली बेसिस पे हमेशा ये स्केड्यूल को फॉलो अप करते रहना चाहिए। सेकेंडली चीज़ ये है कि हम बात करेंगे एक स्केड्यूल बनाने के अलावा टाइम टेबल किस तरह से बिल्ड किया जाए। तो टाइम टेबल अभी जो है हमेशा अभी आप याद रखिएगा कि आप लोगों ने पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट सबने प्रिपेयर कर लिया हुआ, तो अभी टाइम है सिर्फ रिविजन का, तो सिर्फ आपको रिविजन पे फोकस करना है। देर इज नो नीड टू स्टडी एनी न्यू थिंग राइट नाउ, उससे क्या रहेगा क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है वही आपको अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। यूजली क्या देखते हैं कि कोई आपका फ्रेंड सर्कल है या कोई बोल देता है कि यार इस बुक से लास्ट से एक कोई क्वेश्चन आया है, तो आप उस पर शिफ्ट कर देते हैं कि यार ये बुक पढ़नी चाहिए, बट आपने अपने जितना भी सोर्स रिसोर्स पढ़े हैं अभी उसी को ही पढ़िए। अपने रिसोर्स को जितना ज्यादा लिमिटेड करेंगे और जितना ज्यादा रिविजन पे फोकस करेंगे उसको, तो उतने ही ज्यादा सक्सेस के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो हमेशा रिविजन इज द की, हमेशा फोकस रिविजन पे रखिए चीजों को लेके। और इसको किस तरह से करना है आपको रिविजन को, कि फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है, जैसे मैं यूजली क्या करता था, मेरे को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती थी, तो मैं हिस्ट्री को क्या करता था, जो भी मेरे को पोर्शन बोरिंग लगता है मैं उसको एक समराइज नोट्स बना लेता था। इस समराइज नोट से आपको क्या फायदा होता है कि आपको ये पता होता है जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई रेगुलर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, क्योंकि आप यूजली नोट्स अपने जो बनाते हैं वही चीज नोट करते हैं, या तो आपको वो डिफिकल्ट लगता है पार्ट या फिर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एट द एंड जब लास्ट डेज होते हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड नोट्स पेजेस होते हैं, तो जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं फास्ट रिविजन के लिए। तो हमेशा ये फोकस रखिए कि रिविजन हमेशा आपकी रेगुलर चलती रहनी चाहिए, और रिविजन किसकी, नॉट ओनली नोट्स या फिर स्टैंडर्ड बुक्स, रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स प्लस आपके जो भी आपने टेस्ट लगाए हैं प्लस जो करंट में आप टेस्ट लगा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो अब शिफ्ट करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे कि इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर कितनी ज्यादा है अभी यूपीएससी में, और किस तरह से आपको इसको टैकल करना है करंट अफेयर्स को। तो जैसे कि करंट अफेयर आप लोग सब लोग जानते ही हैं, करंट अफेयर अभी आने वाले टाइम में या फिर यूपीएससी रेगुलर जो फॉलो कर रही है, करंट अफेयर को हमेशा बेसिक सब्जेक्ट से लिंक करके देखा जाता है। तो आपका अगर कोई बेसिक क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है करंट अफेयर का। फॉर एग्जाम्पल सबको पता है इस साल का सबसे बहुत कॉमन टॉपिक है कोविड-19, तो कोविड-19 करंट अफेयर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी किस किस एंगल से पूछ सकती है इस चीज को। तो इस चीज को किस तरह से टैकल करना है, कि ये आपको किस तरह से आइडिया लगेगा कि किस तरह से टैकल करना है, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं यूपीएससी के
इससे आपको आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी की डायरेक्शन क्या है क्वेश्चंस पूछने की। फॉर एग्जांपल अगर आपको सबको ध्यान हो 2017 में जीका वायरस पूछा था यूपीएससी ने, तो आप उसको एक बेस बना के ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है हमारी, कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको अभी बहुत ज्यादा चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम कोविड की ही बात करें तो आपको इसको क्या पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे ये वायरल है, वायरस है या फिर बैक्टीरियल डिसीज है। सेकंड इसका क्या है, ओरिजिन क्या है। थर्ड क्या चीज है, जूनोटिक डिसीज है या नहीं है। फोर्थ क्या है कि किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है ये। फिफ्थ क्या यूजली पूछ सकते हैं यूपीएससी की, कोई अभी मेडिसिन इसकी आई है या नहीं आई है, लाइक दिस। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क देने की कोशिश की है मैंने ताकि आपको पता लगे कि करंट अफेयर में क्या क्या एरियाज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको टैकल करना है करंट अफेयर को। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज किस तरह से आपको चीजें क्वेश्चन हैंडल करने हैं। और थर्ड है कि करंट अफेयर में जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के कुछ न्यूज में चल रही होती है चीजें, इकोनॉमिक्स की चल रही होती है, साइंस एंड टेक की चल रही होती है, सोशल इश्यूज हैं, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो हमेशा कोशिश करिए जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो सेम डे पे आप उसको पॉलिटी का करंट अफेयर्स जो भी है उसको देखते रहिए। उससे आपको आइडिया क्या लगेगा, जब बेसिक फ्रेमवर्क में आपको आइडिया लगेगा कि इस साल ये वाला टॉपिक बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो आपको ये जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, फिर कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक को, ये चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है, प्रोविजंस क्या है इसके, रिसेंट में क्यों न्यूज में रहा था, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। एक तो आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं सेम टॉपिक का, और दूसरा आपका बेस स्ट्रांग हो रहा है, रिवीजन के टाइम आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमेशा इन चीजों को आपको मार्क करके रखना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे आपको ये चीज एटलीस्ट नहीं छोड़नी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अक्सर हम लोगों के साथ, तो उसमें देखा जाता है कि आप मिस कर देते हैं चीजें। तो अब जब चीजें मार्क करके रखेंगे कोई भी, तो आपको ये हेल्प हमेशा रहेगी कि मुझे लास्ट मोमेंट पे ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं है मुझे। तो इस तरह से कोशिश करिए कि कोई भी सब्जेक्ट को, करंट अफेयर को टैकल करें। अब बात आती है हमारी कि यूपीएससी के फील्ड में नॉलेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि आपने कितनी नॉलेज गेन कर ली है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अभी तक सारे ही सब्जेक्ट को, ऑलमोस्ट सबको कवर कर लिया होगा, बेसिक सिलेबस आपको कवर कर लिया होगा, तो एक बेसिक मिनिमम नॉलेज है वो सबके पास है। बट क्या सिर्फ नॉलेज ही यूपीएससी आपको क्लियर करवा सकती है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए, क्योंकि यूजली आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में भी कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहा, और एक बहुत एवरेज स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है, तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है इन चीज में। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, यूपीएससी एक नॉलेज गेम नहीं है सिर्फ, नॉलेज के अलावा आपको स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो स्मार्ट वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको हमेशा प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, कि आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट एरिया हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, कौन सा फोकस एरिया हमेशा यूपीएससी का रहा है, और ये एक अभी रिसेंट न्यूज में भी है। तो ये तीन पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं, यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूजिंग करंट अफेयर न्यूज, या फिर सिलेबस। तो इन तीन पैरामीटर पे आप जज कर सकते हैं कि ये एरिया हमको प्रायोरिटी पे रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यही सिंपल सा स्मार्ट वर्क को अगर बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूं तो यही है। जैसे कि अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस, तो फ्रीडम स्ट्रगल सेपरेट लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। व्हाट डज दिस मीन कि फ्रीडम स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और अगर आप यूजली देखेंगे भी क्वेश्चन तो इस वाले एरिया से आपको हमेशा बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स में। तो हमेशा आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो भी पार्ट है 905 से लेके 1947 तक, आपको इसको हमेशा बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है, कीनली पढ़ना है।
और यूजली अभी यूपीएससी हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो क्या कर रही है, आपको 100 ईयर्स की क्रोनोलॉजी को कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है। लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन आया था वो आपको कनेक्शन बेस्ड था, तो आपको क्रोनोलॉजी इवेंट्स की जब पता होगी तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि ये वाला इवेंट पहले हुआ, नहीं ये इवेंट कनेक्टेड है। तो जब ये चीजें पढ़ेंगे आप इस बेसिस से तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीजों में, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट है। एवरीथिंग अंडर द सन आपका एक सिलेबस का पार्ट है, तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो अभी जितना आपने पढ़ लिया है उसको एकदम लिमिटेड रखिए नॉलेज को, उसको ज्यादा आप एक्सपेंड नहीं करिए। तो अभी बात होती है कि अगर लिमिटेड नॉलेज है तो अभी हमने बहुत ऐसा सबको लगता है कि अभी हम लोगों ने सिलेबस कवर नहीं है किया है, बेसिक बुक्स पढ़ लिया हम लोगों ने, करंट अफेयर पढ़ लिया, बट वहां से चीजें कवर नहीं हो रही, तो आपकी न्यू नॉलेज कहाँ से एनहांस होगी यहाँ पे इस टाइम पे? वो सिर्फ आएगी जो भी न्यू आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अभी आपको ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर तक जो भी प्रीलिम्स का है आपको प्रैक्टिस टेस्ट करते रहने चाहिए। इससे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा, बेसिक नॉलेज में भी और करंट अफेयर की उसमें भी। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था डेंटल वोशन, तो उसमें आपको ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कुछ बहुत प्रैक्टिस टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रैक्टिस टेस्ट थे उसमें अवेलेबल था, कई करंट अफेयर्स में भी अवेलेबल था, बट ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, करंट अफेयर का पार्ट है। तो इस तरह से आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि न्यू नॉलेज का सोर्स आपका अभी सिर्फ को भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज वही होना चाहिए, और उसको हमेशा से क्लीनली आपको करना चाहिए। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसको हमेशा अच्छे से करिए। तो हम तीसरी चीज यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यही आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा एट द एंड। क्योंकि यूजली जो क्या देखते हैं हम लोग कि देर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, एक होता है जो कि एक्यूरेसी पे खेलते हैं, सेकंड होते हैं जो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन पे खेलते हैं। ये आपको कैसे पता लगेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं? ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही पता लगेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो कि 65 क्वेश्चन करता है, उसके मोर देन 60 हमेशा करेक्ट हो रहे हैं हर प्रैक्टिस में, तो उसको पता है कि ही इज इन फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा स्टूडेंट है वो 100 के 100 क्वेश्चन कर रहा है बट 70 ठीक हो रहे हैं, उसके 30 हो रहे हैं, स्टिल ही इज क्वालिफाइंग, वो सेकेंड कैटेगरी में। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो इससे आपको ये आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सेकेंड कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती थी। वो बहुत प्रैक्टिस सेट करे मैंने, 100 प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया रखता है कि आप कौन सी कैटेगरी में है। तो हमेशा ये डिसाइड करिए कि आप कौन सी कैटेगरी में। ये आप जब प्रैक्टिस करते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज की तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाता है कि आई फिट इन दिस कैटेगरी, और वही एटीट्यूड लेके आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी जाना है। क्योंकि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं पेपर देखते हैं एक बार, तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये पेपर टफ है या इजी है, मेरी एक्यूरेसी इसमें होगी, क्योंकि आपने पीछे उसी लेवल के प्रैक्टिस सेट किए होते हैं, टफ भी किया होता है इजी भी। तो आपको ये पता रहता है 2 आवर्स में आपका टारगेट क्या है, 65 क्वेश्चन है या मोर देन 80 क्वेश्चन है या 90 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, ये आपको आइडिया हो जाता है। और दूसरा आइडिया ये भी लग जाता है कि आपको कि ये पेपर सिर्फ मेरे लिए टफ है या सबके लिए टफ है या मुझे ही कुछ इश्यूज है। तो आइडिया आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही आ सकता है। तो आपको किस तरीके से सेट करने चाहिए प्रैक्टिस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमाइज करिए आपको अब इस टाइम पे प्रैक्टिस करना टेस्ट की अपनी डेली 2 आवर्स टेस्ट। 2 आवर्स आप बेशक कई ऐसे होते हैं कि 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं, 1.5 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं टेस्ट, बट मेरा मानना है कि जहां भी आप कर रहे हैं रियल एनवायरनमेंट टाइप क्रिएट करिए और 2 आवर्स कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करिए टेस्ट की। इवन आप पहले कर लेते हैं या नहीं कर पाते, बट 2 आवर्स आपको अपना माइंड को वर्क करते रहना चाहिए। माइंड जब तक आपका वर्क करेगा
तो आपको हमेशा एक हेल्प रहेगी कि किस तरीके से आपका माइंड ऑफ फ्रेमवर्क काम कर रहा है। तो ये चीजें आपको, सेकेंड चीज आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमेशा यूजली क्या प्रॉब्लम होती है कि यूपीएससी में चार सेट्स आते हैं ए बी सी डी, और हमेशा उनके जो होते हैं डिफरेंशिएट कैसे होते हैं वो सेट, यूजली अगर आप देखेंगे 25 क्वेश्चंस के बाद सेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए सेट है, उसके जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन है हो सकता है वो डी सेट के लास्ट 25 क्वेश्चन हो, तो यूजली यही रहता है। तो आप अगर फर्स्ट पढ़ रहे हैं कोई भी टेस्ट, तो आपको कई बार लगता है कि मेरे को फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन आते ही नहीं है, बिल्कुल बहुत टफ है, तो वहां पे क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं अपना। तो कोशिश करिए जब प्रैक्टिस करते हैं तो सेम सेट ऑफ माइंड से करिए कि आपको अगर लगता है 10 क्वेश्चन आपको टफ आ रहे नहीं है, तो डायरेक्ट जंप कर दीजिए 26 क्वेश्चन पे, क्योंकि यूजली कोई ना कोई सेट चारों में से एक ऐसा जरूर होता है जो कि बिगनिंग के लिए एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो ये सब लक फैक्टर है, आपको पता नहीं है कि कौन सा सेट आपके लिए ईजी है कौन सा टफ है, बट ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये वाला पोर्शन मेरे को हिट करना है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हिट करना है। तो जब आप स्टार्टिंग ही बहुत कॉन्फिडेंट होके करेंगे तो हमेशा जो टफ क्वेश्चन भी होंगे लास्ट में आप बहुत अपने इंटेलिजेंस वेज से या फिर आप अपने हार्डवर्क से या फिर अपने जो कैलिबर है आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने का, उससे आप बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो हमेशा ये याद रखिए कि सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी है आपकी क्वेश्चन सीरीज की। चौथी चीज आती है कि हाउ टू सोल्व अ पेपर। तो इसमें यूजली अगर आप देखेंगे कोई भी कितना भी एक्सेप्शनली वेल स्टूडेंट हो यूपीएससी में 40-50 क्वेश्चन आप मान के चलिए ये आपके प्योर नॉलेज बेस्ड होते हैं। आप प्योर नॉलेज के साथ जो 40-50 क्वेश्चन है सॉर्ट आउट कर लेंगे, एक एवरेज स्टूडेंट भी 40 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेता है, अगर कोई एक्सेप्शनली वेल है तो 50 कर लेता है। इट मींस ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी हमेशा मैटर करेगी, हमेशा यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% होनी चाहिए, 100% तक डिपेंड करता है चली जाती है कई लोगों की। तो जब यहाँ पे आपने मतलब एक्यूरेसी आपकी बहुत हाई है, इट मींस आपकी रेंज मार्क्स की होगी 70-90 मार्क्स। इसका मतलब है आप अगर फॉर एग्जांपल कट ऑफ बेंचमार्क हम 110 लेते हैं, 100-110, तो आप उससे कितना दूर हैं आपको ही पता है, बाकी क्वेश्चन किस तरह से आपको टैकल करने हैं। तो हमेशा यूजली जो फर्स्ट राउंड करते हैं तो यूजली आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो कि आपको एग्जैक्टली आते हैं, प्योर एक्यूरेसी बेस्ड होने चाहिए। इससे आपको प्रैक्टिस सेट में भी फॉलो करना है, तभी आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग कम्स विद द प्रैक्टिस। सेकेंड राउंड में आप जो होता है, जो भी आपको फर्स्ट राउंड में इश्यूज थे क्वेश्चन सेट को लेके, उसको कोई भी मार्क दे दीजिए, एस्ट्रिक्स मार्क दे लीजिए, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, सर्कल दे दीजिए, जहाँ पे आपको टू ऑप्शन में प्रॉब्लम है या फिर थ्री ऑप्शन में प्रॉब्लम है या वन ऑप्शन में प्रॉब्लम है। तो यूजली क्या होता है, क्वेश्चन कई होते हैं हमको जो नॉलेज, दो ऑप्शन हमको बहुत क्लियर होते हैं कि आई नो अबाउट दीज टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस में आपको इश्यू होता है कि पढ़े तो है बट रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो हमेशा सेकंड राउंड में ये वाले आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे आपको मिनिमम दो ऑप्शन पता है, फॉर एग्जाम्पल चार ऑप्शन आए हैं तो इससे आप जब सेकेंड राउंड में करेंगे तो ये फॉर एग्जाम्पल 20-30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको ये इश्यूज हैं, जहाँ पे आप 100% श्योर नहीं है बट यू नो, यहाँ पे आपको इलिमिनेशन थ्योरी काम आएगी या फिर लॉजिकल रीजनिंग काम आएगी आपकी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, बट ये चीज डेवलप्ड कैसे होंगी आपकी विद प्रैक्टिस ओनली। जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी डेवलप्ड होगी ये हैबिट कि नहीं ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर रही है, मेरे लिए इलिमिनेशन काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने इलिमिनेशन करके 10 क्वेश्चन करे, लॉजिकल रीजनिंग के साथ 15 क्वेश्चन करें, जब आप प्रैक्टिस सेट में करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी है। फॉर एग्जांपल 10 में से आपके 7 क्वेश्चन ठीक हो रहे, 15 में से भी 7 हो रहे, तो आपको ये पता लग जाएगा इलिमिनेशन से मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ यहाँ पे ईजिली हैंडल कर सकता हूँ इलिमिनेशन राउंड को। लॉजिकल रीजनिंग में मेरे को कुछ लॉजिक मेरे हिट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। लास्ट चीज़ होती है कि कोई भी पेपर सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस।
ये किस तरह से आता है कि कई लोगों का डिपेंड बूस्ट किस तरह से अपने आप को कर सकते हैं। एक तो होता है कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप हमेशा कॉन्फिडेंस हाई लेके जाएंगे कि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। और आप हमेशा जो यूजली होता है, हम लोग देखते हैं अक्सर यूपीएससी आइदर एक क्वेश्चन से छूट रहा है या दो क्वेश्चन, ये वाली रेंज जो होती है बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट को होता है। तो कॉन्फिडेंस है जो आपका यही एक दो क्वेश्चन से आपको इन करा देगा। तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव माइंड फ्रेमवर्क रखना है अपना कि नहीं मेरा एग्जाम क्लियर होगा। कभी भी आप नेगेटिव माइंड लेके जाएंगे एग्जामिनेशन में, नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे तो हमेशा यूजली प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा यही होगी कि आप कुछ ना कुछ गलतियां बहुत माइन्यूट सी कर देंगे, और वो भी यूजली आप किस एरियाज में करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ एरिया है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए और अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करिए हमेशा। आपका हिस्ट्री स्ट्रेंथ है तो हिस्ट्री की आपकी कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन, पॉलिटी है तो पॉलिटी के गलत नहीं होने चाहिए, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के गलत नहीं होने चाहिए। तो हमेशा स्ट्रेंथ एरियाज वाले पे आपको हमेशा एक्यूरेसी 100% हिट करने की कोशिश करिए। सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही हाफ वर्क डन हो जाता है आपका। कॉन्फिडेंस इज द की, आप इसको लेके जाना एग्जामिनेशन हॉल में, ये आपको हमेशा ही सक्सेस दिलाएगी। तो इस ये चीजें कब आएंगी, एक तो आप प्रैक्टिस करेंगे और हमेशा सिलेबस को रिवाइज करते रहेंगे चीजों को। तो हम बाकी अगले नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो लॉजिकल रीजनिंग, जैसे हम लोगों ने बात की कि क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने के बाद आप 40-50 क्वेश्चन होते हैं जो यूजली आप अपनी नॉलेज बेस से सॉर्ट आउट कर देते हैं, हैंडल कर लेते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग या जिसको हम इंटेलिजेंट गेस भी बोलते हैं, वो किस तरह से करना है आपको, तो ये आपको हेल्प किस तरह से करेंगे, जो यूपीएससी के एटलीस्ट 25 ईयर्स प्रीवियस पेपर्स हैं इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। इससे आपको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, एक तो सबसे पहले आपको चीज पता लग जाएगी कि हाउ यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन इन डिफरेंट एरियाज। सेकंड, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि फोकस एरिया कौन क्या है आपका सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 2019 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था जो कि था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड था वन ऑफ द टास्क इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। थर्ड ऑप्शन था अपील अगेंस्ट दिस लाइज बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम ये तीन स्टेटमेंट से आपको आइडिया रहेगा किस तरह से इंटेलिजेंट गेस करना है, लॉजिकल रीजनिंग यूज करनी है। और अभी ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे इसके क्या क्या थे, पहले डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट क्यों आई है ये और किस वजह से आई है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट हो सकता है नहीं पढ़ी हो आपने या फिर न्यूज में नहीं रही हो। सेकेंड है वन ऑफ द टास्क इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। ये बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है, बहुत करेक्ट लग रही है सबको। तो यहाँ स्टेटमेंट ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है कि दिस इज राइट स्टेटमेंट, तो इसको आप ठीक कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट आती है अपील अगेंस्ट दिस लाइज बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है यही
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होती या फिर उनको नहीं पता। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसी की वजह से ये क्वेश्चन आया था क्योंकि ये करंट अफेयर न्यूज में था। तो किसी ने अगर करंट अफेयर ढंग से पढ़ा तो उसको ये पता है कि थर्ड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ये करेक्ट है। इफ नहीं पता है तो हम किस तरह से थ्योरी ऑफ इलिमिनेशन लगाएंगे वो चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे कि इफ इंडिया इंडिपेंडेंट 1947 में हुआ, वहाँ पे उस टाइम तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस बहुत ज्यादा हम लोगों ने यूज भी नहीं किया है, पहले तो कोल यूज होता था या फिर कोई और मोड यूज होता था हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर फर्दर मूवमेंट के लिए। रेलगाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हुई थी, वो भी चलती थी कोयले से। तो आपको ये आइडिया रहेगा यार ये वाला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है जो फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड, तो बहुत मुश्किल है होना। तो यहाँ पे स्ट्राइक कहाँ से आएगी लॉजिकल रीजनिंग, जब आपका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग होगा किसी सब्जेक्ट को लेके। तो एज्यूम कर सकते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे पहले बहुत डिफरेंट मोड यूज होते थे हमारे डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अभी इस पे क्वेश्चन मार्क रखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है या नहीं है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन थे हमारे, फर्स्ट ऑप्शन था 1 और 2, सेकंड ऑप्शन था 1 और 3, थर्ड ऑप्शन था 2 और 3 एंड डी ऑप्शन था हमारा 1, 2 और 3। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जैसे देखेंगे अगर फर्स्ट हमारा था, ये हमने लॉजिकल रीजनिंग से इलिमिनेट कर दिया, तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत मान रहे हैं तो हमारे सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, सी 2 और 3। तो हमारा यही करेक्ट आंसर था। बट अगर किसी को नहीं पता, जैसे थर्ड भी नहीं पता है किसी को स्टेटमेंट और थर्ड इलिमिनेट कर देता है वो, तो आपके पास स्टिल ऑप्शन बचता है ए, बट वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो आपको ये हमेशा लॉजिकल रीजनिंग यूज करनी है कि ये तो बहुत कॉमन सेंस से आप इलिमिनेट कर सकते हो इस चीज़ को। तो हमेशा कॉमन सेंस जो आप यूज करेंगे वो हमेशा हाई रहना चाहिए आपका। बहुत ज़्यादा किसी में डेप्थ में सोचने लग जाएंगे तो आप अपने इतनी नॉलेज बेस हमारा होता है कि उसको कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती रहेगी चीज़ों को लेके। तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस लगाना है कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस फॉर एग्जांपल हो ही नहीं सकता फर्स्ट, क्योंकि यूज ही नहीं होता था ये मोड हमेशा। तो इस तरह से आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग यूज करनी है यहाँ पे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको किस तरह से आपको सॉर्ट आउट करना है कि ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये नहीं है। तो हम सबसे पहले एक डिस्कस करते हैं पॉलिटी का एरिया, किस तरह से पॉलिटी को इस टाइम आपको टैकल करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं पॉलिटी में करंट अफेयर पढ़ते हैं किस तरह से बेसिक लिंक करना है, कि आप देखते हैं न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया है हमारा एक, तो ये बिल्स कैटेगरी में पॉलिटी में आता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया गया है। तो हमेशा आप देखेंगे यूपीएससी में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है या सेक्शन है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन पे बहुत फोकस रहता है जो कि पब्लिक वेलफेयर में यूज होते हैं। तो जब ये वाला टॉपिक आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इसके अंदर, कि इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेपरेट रेगुलेटर बना रहे हैं जो कि नहीं था। तो यूपीएससी का हमेशा क्या आएगा, कोई अगर ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल बिल्ड करती है यूपीएससी, तो सिंपल एक स्टेटमेंट आ जाते हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट रेगुलेटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। या फिर ऐसे पूछ सकती है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट रेगुलेटर, या फिर फर्स्ट टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस्ड रेगुलेटर फॉर दिस, क्योंकि ये पहले वाले बिल में नहीं था। सेकेंडली इसमें सिंपल पूछ सकती है कि ई कॉमर्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है या फिर नहीं किया है, तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है। थर्ड ये चीज इसमें क्या पूछ सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो हमेशा करंट अफेयर पढ़ते रहे कोई भी सब्जेक्ट के, तो ये बेसिक कोर आइडिया आपको रहना चाहिए किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूपीएससी का अगर आप एक फ्रेमवर्क देखेंगे 25 ईयर्स प्रीवियस जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ, आपको आइडिया लग जाएगा कि फोकस किस चीज पे करती है अगर कोई भी टॉपिक पूछ रही है। तो इसमें जैसे पब्लिक वेलफेयर पे फोकस कर रही है तो आप किस तरीके से स्टेटमेंट बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे स्टेटमेंट किस तरह से बिल्ड हो सकती है, कि पहले वाला जो अर्लियर बिल था उसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, तो एक नई चीज़ आई है। तो हमेशा कभी भी आप पढ़ते तो हमेशा जो नई चीज़ आती है वो आपको अट्रैक्ट करती है माइंड को, तो जो भी एग्जामिनर है उसको भी माइंड को अट्रैक्ट कर रही होगी, तो वो भी ये स्टेटमेंट डाल सकता है ई कॉमर्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, मिनिस्ट्री
कौन सी है, तो ये बहुत बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री, तो इस तरह से आपको ये चीज पढ़नी है। सेकंड, जैसे कि अगर देखेंगे अभी एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो यूपीएससी सिंपल किस तरीके से पूछ सकती है इसमें कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, एक ये भी सिंपल पूछा हुआ है। सेकंड सिंपल यूपीएससी इस तरह से भी पूछा हुआ है कौन से शेड्यूल के अंडर आता है। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट टाइप पूछना होगा तो यूपीएससी सिंपल इस तरीके से पूछ सकता है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ सकता है तो इन दोनों को क्लब कर सकता है, इसके क्लॉजेस को डाल सकता है बीच में, या फिर रिसेंट में कहाँ पे यूज हुआ है, इस तरीके से यूपीएससी इसको पूछ सकता है। तो ये बात रही पॉलिटिकी की, किस तरह से पॉलिटिकी क्वेश्चन या करंट अफेयर को किस तरह से बेसिक के साथ लिंक करना है। सेकेंड हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी का आप देखेंगे कि यूपीएससी बहुत ज्यादा बेसिक प्लस अप्लाइड नॉलेज को ही यूज करती है, जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसी को ही करंट अफेयर से लिंक करती है, जो आप बेसिक पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल की इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम है या जीडीपी है, तो सिंपल ये बहुत चीजें सिंपल है। बैंकिंग सेक्टर है कि किस तरह से मनी सर्कुलेशन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी पे क्या पड़ेगा, CRR बढ़ा रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लिक्विडिटी पे, जो कि हमारी रेगुलर न्यूज में देखते हैं आप चीजें कि बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में ये चेंज हुआ, रेपो रेट चेंज हुआ, रिवर्स रेपो रेट। तो हमेशा ये जो आपकी बेसिक है हमेशा नॉलेज इकोनॉमी की, वो हमेशा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपकी ये स्ट्रांग है नॉलेज, तो आप इसी के बेसिस पे इकोनॉमिक्स के हैंडल कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे कि अगर हम देखें करंट अफेयर में इस टाइम आत्मनिर्भर भारत स्कीम है गवर्नमेंट की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है ड्यू टू द कोविड सिचुएशन कि हम फोकस थोड़ा अपना शिफ्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक उस पर। तो हमेशा ये याद रखिए कि किस तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो एक बहुत बेसिक होता है कि इसमें डिफरेंस क्या है इसमें प्लस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, जो कि हम लोगों ने पहले यूज किया हुआ है। तो अगर आपको ये बेसिक बहुत डिफरेंस पता है तो आप इजिली टैकल कर सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट की किस तरह से डिफरेंस है ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। सेकंड ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है या पहले भी हो चुका है। अगर पहले हुआ है, पहले अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो किस फॉर्म में हुआ है। थर्ड, इसके कंपोनेंट क्या क्या है। कंपोनेंट इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आत्मनिर्भर भारत पूछ ले, जो भी कंपोनेंट है इसके, फॉर एग्जांपल गरीब कल्याण योजना में इसके अंदर डाला गया है, डिफरेंट स्कीम्स है मनरेगा के अंदर 2,000 रुपीज प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं कि किस तरीके से आपको इसको टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक चीज है जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं MSME, इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में। कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में, GDP के कंट्रीब्यूशन में, और हमेशा ये सेक्टर उस हमारे पब्लिक को कैटर करता है नीड को, जो कि बहुत ज्यादा लो लेवल इनकम रिसोर्स है, हाई इनकम वाले नहीं है। तो हमेशा फोकस एरिया बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन कराएगा। तो अभी और दूसरा करंट अफेयर में भी है क्योंकि इसकी एक न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि बेसिक में आपको हमेशा पढ़ते आ रहे हैं इसको और करंट अफेयर में भी न्यूज में है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं इस चीज के पूछने के लिए। तो हमेशा इस चीज पे हमेशा आपको फोकस रखना है कि दिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो इसी तरीके से आप हैंडल करेंगे, जैसे इसमें क्या पूछ सकता है कि न्यू डेफिनेशन चेंज कैसे आया, क्या आया है, परसेंटेज क्या है GDP में MSMEs की, कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, या फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर नाम दे देगा सेक्टर का। फॉर एग्जांपल खादी इंडस्ट्री दे दिया इसने कि खादी इज अंडर MSME कैटेगरी और नॉट, एक स्टेटमेंट इस तरीके से आ गई। तो हमेशा ये याद रखना है आपको कि किस तरीके से पूछ सकता, हो सकता है आप जो करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें सब ना हो, बट कोशिश हमेशा करिए कि जब भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ब्रॉड माइंड फ्रेमवर्क से पढ़िए और ये आपको आइडिया हो कि इस डायरेक्शन में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमेशा उसी से फोकस रखिए और ये चीज आपकी आएगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट को या फिर प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरिया लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत कॉमन है आजकल यूपीएससी में, इसको हम ज्योग्राफी बेस्ड भी बोल सकते हैं या फिर लोकेशन। तो यूजली आप देखेंगे यहाँ पे लोकेशन क्या क्या पूछता है। फॉर एग्जाम्पल
इंटरनेशनल इश्यूज कोई चल रहे हैं उसको लोकेशन पूछ लेता है, इंडियन फिजियोग्राफी का कुछ इशू है वो पूछ लेता है। जैसे कि अगर आपको याद हो 2017 क्वेश्चन आई थिंक आया था अबाउट बैरन आइलैंड, ये क्यों आया था, क्योंकि फर्स्ट उस लास्ट टाइम ये आपको जैसे पता ही एक्टिव वोल्केनो है तो इरप्ट हुआ था उस टाइम पे, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली न्यूज का पार्ट बन गया था। और बैरन आइलैंड जैसा कि हम लोग सब पढ़ते हैं अंडमान निकोबार का है पार्ट, तो उसमें तो अगेन अगर हम सिंपल इसी चीज की बात करें, 2017 में आपने बैरन आइलैंड के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, बट अगेन अगर हम बात करें इस साल ये न्यूज में किस वजह से, कि आफ्टर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट तो इंडिया ने मिलिटराइजेशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए अपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो अगेन इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है एरिया अपना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो रही है, नॉट ओनली लोकेशन ऑफ ऑल आइलैंड्स, ये बहुत बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ क्या है, कहाँ पे कौन सी लोकेशन किसकी है, बट और क्या होती है, जैसे कि डंकन पैसेज है यहाँ पे, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए डंकन पैसेज किसके बीच में, जैसे कि ये है साउथ एंड लिटन अंडमान के बीच में, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। इसमें ही आप मैप में अगर देखेंगे 6 डिग्री चैनल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन आपको जो इसकी हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, जैसे नॉर्थ अंडमान आइलैंड में है ये। अगेन फिफ्थ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि बैरन आइलैंड है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए ये कहाँ पे नॉर्थ अंडमान में है ये भी। तो ये चीज आपको कैसे आइडिया लगेगी, हमेशा जब भी आप एटलस फॉलो करते हैं अपनी तो उसको मार्क करते रहिए करंट अफेयर के साथ, एक ही ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है तो उसको कोई स्टार साइन दे देते, ताकि आपको रिविजन के टाइम पे ये आइडिया रहे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगेन हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, नेक्स्ट टॉपिक कि एनवायरमेंट को किस तरीके से टैकल करना है, और मैं एक करंट अफेयर से लिंक करके इसलिए सारे टॉपिक को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो आप लोग सब पढ़ रहे हैं और आप लोग ऑलमोस्ट सब कवर कर चुके हैं, बट आपको कहीं ना कहीं इशू रहता है कि लिंक किस तरह से करना है बेसिक नॉलेज को करंट अफेयर से, तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा रफ आइडिया हो जाए, जिससे आप अभी 30 डेज जो भी हैं 30-40 डेज उसमें अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाए ढंग से। तो एनवायरमेंट में अगर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट को लेके जो कि नया आया है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा बेसिक पार्ट बहुत ज़्यादा हम डिस्क कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें बार बार आता है, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए रेगुलर न्यूज़ में रहता है, और ऊपर से अभी नया इन पब्लिक डोमेन में इनके सजेशन मांगे और नया एक्ट लेके आ रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे, तो मतलब इसके इंपॉर्टेंस किस तरह से, तो हमेशा आपको ऐसा कुछ आता है तो हमेशा ये याद रखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बना किसके अंडर है, जैसे कि ये बना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये होनी चाहिए कि ये कितनी बार अमेंड हो चुका है, जैसे कि फर्स्ट टाइम ये आया था 1994 में, फिर आया 2006 में एंड अगेन 2020, तो यूपीएससी इस चीज़ को मार्क करके फर्स्ट टाइम यहाँ पे पूछ सकता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, एक्ट इज वी आर इंट्रोड्यूसिंग एक्ट, या फिर फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2016 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो 94 में इस कर सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से पूछी जा सकती है। एक टॉपिक आता है हमारा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में हमेशा मैक्सिमम स्टूडेंट इशू फेस करते हैं, क्योंकि इसमें इशू क्या होता है, फॉर एग्जांपल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस एंड टेक डिफिकल्ट होता है, तो उनको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि बेसिक हमेशा नॉलेज एनसीईआरटी 9th-10th की पढ़ के हमेशा गेन कर सकते हैं आप, जो कि आप लोगों ने सबने पढ़ ली होगी, बट यूपीएससी हमेशा यूजली साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायनामिक फॉर्म में ही होते हैं, करंट अफेयर से लिंक होते हैं, जो कि आप किसी भी करंट अफेयर मैगजीन को किसी भी फॉलो करते हैं उसमें आपको ईजिली मिल जाएगा, बट अगेन बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि यूपीएससी साइंस एंड टेक में पूछता है, जो कि आपको नॉलेज नहीं वहाँ पे, आपको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा साइंस एंड टेक की खूबी सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि ये फील्ड ऐसी है जो हमेशा इवॉल्व होती जा रही है,
तो जो भी चीज इवॉल्व हो रही है वहां पे आपके एम्बिग्विटी भी बढ़ जाती है, दूसरा आपको चांस श्योरिटी भी आपकी कम हो जाती है कि ये चीज अभी प्रेजेंट में है या नहीं है। तो हमेशा यूपीएससी ये चीज पे बहुत फोकस रखती है जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी देखते हैं, हम लोग बहुत इग्नोर कर देंगे बट आरोग्य सेतु ऐप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए आपके साइंस एंड टेक के लिए, क्योंकि थ्रू आउट देख रहे हैं पिछले 5-6 महीने में यही न्यूज में चल रहा है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव है सबसे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको फाइट करने के लिए कोविड से हेल्प कर रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें पूछ सकता है, सबसे एक तो बेसिक चीज ये है कि ओपन सोर्स है या नहीं है, एक स्टेटमेंट ये हो सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट सिंपल ये हो सकती है कि डेवलप्ड किसने किया है, डेवलप्ड जैसे बाय NIC अंडर MIT, तो सिंपल यहाँ पे चेंज कर देगा यूपीएससी कि NIC ने डेवलप किया है बट अंडर MIT नहीं है, किसी भी मिनिस्ट्री और डाल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। तो एक ये चीज हमेशा याद रखिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये किसमें काम कर रहा है। थर्ड सिंपल ये चीज पूछ सकता है बहुत कि इसमें आप क्या क्या यूज करते हैं, जैसे हम जो भी यूज कर रहे हैं ब्लूटूथ का यूज होता है, GPS टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए ये चीजें आप हो सकता है कि आप इग्नोर कर दे पढ़ते टाइम, बट ये जब आप यूज कर रहे हैं आपके फोन में एंड्रॉइड में है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से यूज हो रही है चीज को। तो दूसरा इसमें आप क्या चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजर स्टेटस चेक कर सकते हैं, कितने टच में आए हैं अभी पेशेंट के, तो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे तो भी हो जाएगा, पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। फिफ्थ एक चीज इसमें है जैसे कि एंड्रॉइड फोन के लिए है सिर्फ, या फिर एप्पल फोन के लिए है, या फिर सिंपल फोन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी है। तो ये एक बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमको पता ही नहीं सिंपल यूज में हो सकता, सिंपल फोन में है या नहीं है, एंड्रॉइड में है या नहीं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है चीजों को कि इस तरीके से करना है। अगेन जैसे कोविड वाला है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोविड को किस तरह से हैंडल करना है। चौथी चीज आती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ा भी हो तो भी आप उस चीज को टैकल नहीं कर पा रहे हो। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड के बाद हमेशा जब इसको फोकस रखिए एरिया अपना कि यूपीएससी फोकस एरिया क्या है यूपीएससी का। जैसे कि हम देखते हैं कि यूजली यूपीएससी क्या पूछता है कि आर्किटेक्चर जो है इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो जो भी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं तो उस चीज पे ध्यान रखिए कि आर्किटेक्चर वाले पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि लास्ट टाइम पूछा था रेड स्टोन यूज हुआ है नहीं हुआ है रूमी दरवाजा में, या फिर आर्किटेक्चर उसका कैसे, तो इस तरीके से। तो हमेशा ये चीज हमेशा फोकस रखिए कि जो एंशियंट एंड मेडाइवल का है आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपको इस पर फोकस हमेशा करना ही करना है। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पे अब कंटेम्परीज बहुत पूछने लग गया है यूपीएससी। फॉर एग्जाम्पल कबीर जी संत कबीर अकबर के कंटेम्परेरी थे या नहीं थे, या दूसरे कोई भी इसके कंटेम्परेरी थे या नहीं थे। तो मतलब आपका यहाँ पे क्रोनोलॉजी की इंपॉर्टेंस भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको क्रोनोलॉजी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ईयर याद रखना है, बट आपको ये रफली आइडिया होना चाहिए कि 1498 में अकबर का टाइम पीरियड है या 1500 तक है, तो वहाँ पे संत कबीर है कि उस टाइम पीरियड के हैं या नहीं है। तो आपको ये एक बेसिक फ्रेमवर्क आइडिया रहना चाहिए चीजों को लेके। सेकेंडरी एक होती है चीज अगली गवर्नमेंट स्कीम्स। हमेशा आप देखेंगे यूजली इस पे आपको 3-4 क्वेश्चन आपको किसी भी उसके मिल जाएंगे। तो अगेन वो स्कीम्स कौन सी होंगी, किस तरीके से होंगी, तो आपको एक हमेशा ये याद रखना है कोई भी स्कीम जो एक लार्ज स्केल पे पब्लिक को वेलफेयर पहुंचा रही है, बहुत इंपैक्ट कर रही है, तो वो हमेशा पूछी जाएगी, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो PM गरीब कल्याण योजना हो, या फिर कोई भी स्कीम हो। जैसे कि अभी PM गरीब कल्याण योजना पे हम अगर डिस्कस करें तो ये इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, किस लिए, ताकि जिसके जॉब लॉस हो गया पुअर्स की उनके फाइट करने में हेल्प करे अगेंस्ट कोरोना, एक कवर अप रहे इंश्योरेंस कवर। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, क्या स्टेप्स हैं। तो ये चीज आपको हमेशा इस चीज के लिए याद रखनी है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो बाकी चीज है कि आप एक होता है कि इंपॉर्टेंस ये सब तो एक सब्जेक्ट की रही कि एक बेसिक आपको चीजों किस चीज को याद रखना है। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि
सिनॉप्सिस ऑफ नोट्स, और सिर्फ नोट्स की नहीं, नोट्स से मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आप लक्ष्मीकांत के नोट्स तो नहीं बना सकते, बट आपको एरियाज वेल डिफाइंड होने चाहिए जो कि आपके नोट्स में हो। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटी में ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया, तो आपके समराइज नोट्स होने चाहिए उस टॉपिक को लेके, और ना कि सिर्फ टॉपिक को लेके बट जो भी आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं उसमें कुछ कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो 10 क्वेश्चन आप रिकॉल कर ही नहीं पाएंगे या फिर छूट जाएंगे अगर आप उसको पेंडिंग छोड़ देंगे। कि अगर 80 टेस्ट लगा रहे हैं और उनका सॉल्यूशन रिवीजन के लिए रख रहे हैं तो बहुत टफ होगा एट द एंड आपके लिए। तो हमेशा टेस्ट सीरीज के भी जो भी आपके नोट्स हैं उसको समराइज रखिए इस चीज़ों को, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए। तो एट द एंड ये मेरे को लगता है कि सफिशियंट है आप लोगों के लिए। तो बस एक दो चार चीज़ें और जो कि एक समराइज करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो लेने की कोशिश करेंगे। कि हमेशा प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलरली, 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी है प्लस 1 आवर अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है उसको रिवाइज करना है या समराइज करना है नोट्स, प्लस प्रीवियस जो टेस्ट लगाए हैं उसको वो आपको रिवाइज करने हैं। तो आपका अभी करंट यही फोकस मेनली होना चाहिए इस टाइम में लास्ट डेज में, क्योंकि आपने ऑलरेडी जितना पढ़ना था आपको पढ़े, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका माइंड सेटअप होगा, तो वो आपको ध्यान रखिए। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको लिमिट योर रिसोर्सेज, आपको अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी आप पढ़ चुके हैं आपके नोट्स हैं बुक्स हैं वही आपको लिमिटेड रखने हैं। थर्ड आपको ये याद रखना है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे आप एक्यूरेसी पे खेल रहे हैं या फिर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो हमेशा ये याद रखना है कि क्या आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट से आएगा। एंड फोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। एक ये चीज है जो आपको एग्जाम क्लियर कराएगी। मैं अपना ही एग्जाम्पल बताता हूँ, 2018 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हुआ था, बहुत अनश्योर था मेरा कि हो पाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन थी, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रही थी। तो आपको यूजली एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही निकलते आपको पता लग जाता है कि आप बाउंड्री के से या फिर निकल रहे हैं। जबकि जब 2019 में मैंने दिया तो मैं जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया तो एकदम श्योर था कि इस बार हो रहा है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, वो है सी सेट पेपर्स। यूजली क्या करते हैं हम लोग सी सेट को बहुत इग्नोर कर देते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे सी सेट यूपीएससी इतना ज़्यादा टफ या फिर बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो रहे हैं। मैंने इवन IIT के बंदे को भी यहाँ पे सी सेट में फेल होते रहना देखा है। तो हमेशा जो है सी सेट की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। आप आर्ट स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है तो बहुत ज़रूरी है, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी उतना ही जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है। क्वालिफाइंग हम क्या सोचते हैं 67 मार्क्स लाने हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा, वी विल डू दैट, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो इतना चेंज हो जाता है पैटर्न हर साल सी सेट का कि कई लोग होते हैं जैसे इंग्लिश कम्प्रिहेंशन रीडिंग कम्प्रिहेंशन करके आ जाते हैं, मैथ्स उनसे हो ही नहीं पाता है। तो आपको ऐसा नहीं है, कुछ जो भी यूपीएससी में मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी सॉल्व हो सकते हो, जरूरी नहीं आपको मैथ हो, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आइडिया होगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो हमेशा जो भी 2014 से लेके 19 तक के हैं सी सेट के पेपर, मेरा मानना है वो जरूर लगाइए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा यूपीएससी का लेवल क्या है, सी सेट क्वेश्चन का किस तरह से पूछता है। प्लस 1 आवर आप अगर डेली डिवाइड कर सकते हैं, अपना एलोकेट कर सकते हैं सी सेट को, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रखिए। ये अगेन आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रहेगा कि आपका सी सेट लेवल के प्रिपरेशन क्या है। आप इग्नोर कर सकते हैं, वीकली एक टेस्ट कर सकते हैं, 2 डेज में कर सकते हैं, 3 डेज में, अगेन ये आपके ऊपर होगा। तो ये आप एट द एंड में एंड यही करूंगा कि कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि आपकी फुल नॉलेज है उसको गेन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो कि आप ही एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे तो आपको सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे। क्योंकि एक दो क्वेश्चन है जो कि आपको इन करेंगे या आउट करेंगे, वो एक दो क्वेश्चन आपको आउट वाले नहीं होने चाहिए, वो इन वाले होने चाहिए। तो कोशिश करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिए और आपका एग्जाम ज़रूर क्लियर होगा।